जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे छोटे दादाजी पंडित जसराज जी अब हमारे बीच नहीं रहे, तो मैंने सोचा मैं उनके बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊं। तो मैं उन्हें लास्ट मिला था मुंबई में, और उनका एक कॉन्सर्ट था षणमुखानंद हॉल में। और आप बिलीव कीजिए, मैंने अपनी मॉम से पूछा था कि वो कितने साल के हो गए हैं, क्योंकि मैं उनको बचपन से ही देखते आ रहा था, और आप यकीन माने उनमें कोई फ़र्क ही नहीं आया था। तो मैं सोचा कि ऑब्वियसली अभी तो काफ़ी बड़े हो गए होंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा हो गया हूँ। तो मेरी मॉम ने बोला कि वो अभी 90 ईयर्स के हैं। और मैं, आप यकीन माने, मैंने इतना इतने एक्टिव इतने फिट 90 ईयर ओल्ड मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं। और उन्होंने पूरा शो किया, फिर वो सबसे मिले, और वो उस शो के बाद उसी रात को दिल्ली जाने वाले थे एक दूसरे शो के लिए। तो मैं ऑब्वियसली बहुत इम्प्रेस तो था ही, और मैं बहुत खुश भी था, क्योंकि मैं सोचा कि ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग एक ही ब्लड लाइन के, तो मैं सोचा कि मैं भी इन ऑल लाइवलीहुड जब 90 ईयर्स का हो जाऊंगा तो मैं भी इतना फिट रहूंगा और इतना एक्टिव रहूंगा। तो और उसी समय पे मेरा पहला सिंगल भी रिलीज़ हुआ था, आँखों के इशारे। तो पापा ने, हम लोग उनको मिलने गए थे, पापा भी थे हम लोग, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, वो बहुत स्वीट थे। तो आज उनको याद करते हुए मैंने सोचा मैं आज कुछ क्लासिकल गाऊं, और इसे टप्पा कहते हैं, और ये हमारे मेवाती घराने में सभी गाया करते थे। मेरे ग्रैंडफादर पंडित प्रताप नारायण जी गाते थे, छोटे दादाजी पंडित जसराज जी गाते थे। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगे। तेरे हम दमदा तो पे निसार जान दा आ आ आ आ आ मिया चाल पा छान वे मिया आ तेरे हम दमदा तो पे निसार जान दा आ आ आ आ आ आ आ मिया चाल पा छानिवे सुन पावे नादासे मेरा दोष ना तमामिया अपना तो हुआ काम तमाम चाल पा छानी वे चाल पछानी वे चाल पछानी वे चाल पछाने वे पछाने वे पछाने वे चाल पछाने वे छाने वे छाने वे। सो छोटे दादाजी, आई होप यू आर डूइंग गुड, and I hope you are spreading music all around like you always have. Please do give us your blessings, and you guys take care of yourselves, take care of your loved ones, and a big jai ho to Pandit Jasraj ji.